भाई एशिया कप के सुपर चार मैच में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए। भारतीय टीम का मैच देखने के लिए एक्ट्रेस उर्वशी रोटेला पिछली बार की ही तरह इस बार भी स्टेडियम में पहुंची थी। ग्राउंड कैमरा की नज़र जब उर्वशी पर पड़ी तो वो टीम इंडिया को चीयर करती हुई नज़र आई। इस बार ऋषभ पंत भी टीम का हिस्सा थे, जबकि पिछली बार उन्हें रेस्ट दिया गया था। इस बार तो जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुए, सोशल मीडिया पर उर्वशी को लेकर मीम्स की भैया बाढ़ आ गई। भारत और पाकिस्तान मैच में उर्वशी किसी डॉल की तरह तैयार होकर आई थी। रॉयल ब्लू कलर की ड्रेस में एक्ट्रेस काफ़ी खूबसूरत लगी रही थी। स्टेडियम में उन्हें देखने वालों की नज़रें ही नहीं हट रही थी। उर्वशी ने कैमरे के लिए खूब सारे पोज भी दिए। फिर मैच शुरू हुआ और रोहित शर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी देख उर्वशी ने खूब तालियां भी बजाई। विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और बारी आई ऋषभ पंत की। कुछ अच्छे शॉट्स खेलने के बाद ऋषभ पंत भी आउट हो गए। दर्शकों को उनका इस तरह आउट होना पसंद नहीं आया और उन्हें इसके लिए उर्वशी रोटेला को ट्रोल करना शुरू कर दिया। भारत पाकिस्तान मैच में ऋषभ पंत ने केवल 14 रन बनाए। ऋषभ पंत के मैदान से जाते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने कहा कि यह उर्वशी की मुराद थी जो पूरी हुई, तो किसी ने कहा कि ऋषभ का मूड अपनी दीदी को ग्राउंड में देखकर ख़राब हो गया। दरअसल उर्वशी और ऋषभ पंत के बीच कोल्ड वॉर तब शुरू हुई जब एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा ऋषभ पंत उनसे मिलने आए थे, वो होटल की लॉबी में वेट कर रहे थे और एक्ट्रेस को खूब सारे कॉल्स भी किए पर मीटिंग नहीं हो पाई। उर्वशी ने बताया कि वह थकी हुई थी तो कमरे में जाकर सो गई। उठने पर देखा 16 से 17 मिस कॉल पड़े थे। इसके बाद ऋषभ ने उर्वशी को दीदी कहते हुए एक पोस्ट लिख दी, जिसके बाद एक्ट्रेस ने उन्हें जवाब में छोटू भैया कहा। तो यहीं से सारा मामला शुरू होता है। अब देखिए मीम्स की बाढ़ ये भाई कब रुकेगी।